कर करके परेशान है। उसके घर जाते हैं तो कहते हैं उसकी वाइफ आगे आ जाती है, वो अंदर बैठा रहता है। ऑफिस में उस दिन तोड़ फोड़ हुई, आए हैं तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी कोई सलूशन ही निकला। अपनी वाइफ को तब भी आगे कर दिया, उधर से भगा दिया ऑफिस के बाहर से, आगे चेले अगर वाइफ आ गई। गिरीश सोनी की मिसेस का परसों हैप्पी बर्थडे था, हमने यहाँ बहुत मच्छरों के साथ मनाया है। मच्छर थे, मक्खियाँ थी, कूड़े के साथ, मलबे के साथ बहुत हमने हैप्पी बर्थडे मनाया। तो उन्होंने हमारा धन्यवाद करा, काम करने की बजाय धन्यवाद करा कि आपने बहुत अच्छा हमारा हैप्पी बर्थडे मनाया। दिल्ली में इन दिनों बारिश का मौसम है और इस बीच जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं कई इलाकों में सिविक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादीपुर विधानसभा इलाके के पश्चिमपुरी पॉकेट 2 में, और यहाँ की स्थिति ऐसी है, मैं आपको दिखाना चाहूँ कि आप देख सकते हैं कि ये जो गलियाँ हैं ये सीवर ओवरफ्लो होने के कारण लगातार भरी रहती हैं। यहाँ के लोगों से जो हमने बात की वो उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से इसी तरह की समस्या बनी हुई है, और यहाँ तक कि लोगों के घर में जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम हैं, वहाँ वो भी इस गंदे पानी से भर जाता है। साथ ही उस वजह से जो गंदा पानी लगातार यहाँ गलियों में भरा रहता है, इसकी वजह से लोग बीमार होना भी शुरू हो चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि लोगों का जो कहना है कि बार बार यहाँ से मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो इलाके के आप विधायक हैं गिरीश सोनी, उनका दफ्तर है, यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, लोग शिकायत करने जाते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि वो खुद सामने नहीं आते, उनकी पत्नी सामने आती हैं। लोग कई बार शोर शराबा भी करते हैं। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँ कि परसों जो विधायक हैं गिरीश सोनी, उनकी पत्नी ममता सोनी का जन्मदिन था, तो लोगों ने विरोध का एक नया तरीका अपनाया और यहाँ जो सीवर का पानी जमा था उस सीवर के पानी में ममता सोनी के नाम का केक रख कर काटा, साथ ही नारेबाजी भी की। यहाँ की महिलाएं, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं जो परेशान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशान हैं। अपना नाम बता दीजिए। मट्टी निकालते हैं, जरा जरा से भाग जाते हैं, चार चार डॉक्टर बदल दिए, बीमार हो रहे हैं, सांस के बीमारी है, हैं क्या करें। यहाँ बैठे बैठे आती है मोटर, इतना पानी निकाला है, चल हाँ इतना पानी से निकाल दिया जाए, बाल्टी भर भर का गारा निकालो तो साफ होए, नहीं साफ होता अरे बीमारी का घर हो रहा है। बेटे का भी चार डॉक्टर बदले, यहाँ स्कूटर खड़ा होता, सारे आवार अंदर जाती है, क्या करे, परेशान हो गए। वहाँ जा जा के अभी कोई सुनाई नहीं करता, सुनाई करना चाहिए ना, हम क्या करें अब ये। हाँ ये कोई है, एक दफ़े कह दो दफ़े कह दो, सारा गारा रेडी भर के ले जाओ, यही गारा इसमें जाएगा है, वो तो रुकेगा। हाँ जी ये मोटर, मैं रेखा खन्ना बोल रही हूँ पश्चिमपुरी पॉकेट 2 से। ऐसा है, हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारे को इतनी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सब कुछ है, और यहाँ पे आप आके एक बार नज़र लगाइए कि कैसी कंडीशन हो रही है। 5-6 आ चुके हैं ये, पर अभी तक तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। वो तो अपने घर में मस्त बैठे हैं, अपने हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, उसने तो अपनी पंजाबी बाग में कोठी ले ली, वहाँ रहती है, और झूठ बोल दिया मैं यहाँ रहती हूँ इसी पॉकेट में, इस पॉकेट में नहीं रहती, पंजाबी बाग कोठी ली हुई है, वहीं रहती है। ये हाँ क्या नाम है, सोनी, गिरीश सोनी की मिसेस का परसों हैप्पी बर्थडे था, हमने यहाँ बहुत मच्छरों के साथ मनाया है, मच्छर थे, मक्खियाँ थी, कूड़े के साथ, मलबे के साथ बहुत हमने हैप्पी बर्थडे मनाया। तो उन्होंने हमारा धन्यवाद करा, काम करने की बजाय धन्यवाद करा कि आपने बहुत अच्छा हमारा हैप्पी बर्थडे मनाया। अब ये सफाई करने का ये समस्या कब से है? हाँ ये समस्या वैसे तो 2 साल से चल रही है, ना तो पार्क की सफाई हुई है, हमने इतनी कंप्लेने करी, मेल भी भेजे, ईमेल भेजे, सब कुछ करे, आज तक 2-2.5 साल से बिल्कुल कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर आप लोग हमें मारना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा चीज़ दे दीजिए ना, हम पहले वो हो जाएं, पॉपुलेशन कम हो जाएगी ना। देखिए साफ तौर पर जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की महिलाएं, वो निराश हो चुकी हैं। निराश इसलिए कि कई बार जो है सो शिकायत की गई, बार बार शिकायत की गई, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बिल्कुल जैसे नरक में नरकीय जीवन कहते हैं वो हालत यहाँ है। कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं जी। अपना नाम बताइए।
मेरा रेनू नरूरा नाम है, मैं पश्चिमपुरी में रहती हूँ। ये हालात कब से? ये 2 साल से है सर, 2 साल से प्रॉपर है। घर के इतने सीवर भरे हुए हैं, इतना कुछ है, सब कुछ है, कोई कंडी मतलब कोई साफ करने आता है, कंप्लेंट करने के बाद ही सुबह मॉर्निंग में आए गटर साफ करिए निकाल जाएंगे, 10 मिनट फिर हो जाता है। कर करके परेशान है, उसके घर जाते हैं तो कहते हैं उसकी वाइफ आगे आ जाती है, वो अंदर बैठा रहता है। ऑफिस में उस दिन तोड़ फोड़ हुई आए हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी कोई सलूशन ही निकला। अपनी वाइफ को तब भी आगे कर दी, उधर से भगा दिया ऑफिस के बाहर से, आगे चेले अगर वाइफ आ गई बस, तब भी कोई कंडीशन सर हुआ ही नहीं। और इतनी गंद के ऊपर रहते, मच्छर आते नीचे, लोगों की इतनी मुश्किल है, आगे आज तो कम है, वो पूरा वहाँ तक भरा होता है। अभी पता लगा लोग बीमार भी हो रहे हैं। हाँ बीमार है, 4-5 दिन से बीमार है। आगे भी 2 जने हॉस्पिटल में एडमिट है महाराजा अग्रसेन में। पूरी गली ऐसी ही भरी रहती है, ये नहीं ये गली नहीं, इधर भी है और उधर के भी 3 गलियाँ ये प्रॉपर डेली भरी रहती है। और पार्क में इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा सर, इसका कोई सलूशन चाहिए हमें भाई। सीवर के पाइप डाले नहीं डालते, कहते हैं सीवर के पाइप के ऊपर मकान बने हुए हैं। सर सीवर के पाइप के ऊपर कहाँ मकान बने हुए हैं, सीवर बीच में है, ये कहा जाता है सीवर के पाइप के ऊपर मकान बने हुए हैं 4-4 मंजिल। बहाना बना रहे हैं सर, और कुछ नहीं करना। डीडीए ने कहा 4 मंजिल बनाए, पर सीवर तो बीच में है ना, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है। घर देखो कैसे बने, सीवर के पास थोड़ी ना बने हुए हैं। 6 महीने के बाद चुनाव भी है। हाँ तो सर हम नहीं देंगे, जो जीत करेगा उसको देंगे वोट। परसों आप लोगों ने विरोध स्वरूप जो है सो यहाँ उनकी पत्नी का बर्थडे मनाया। हाँ बिल्कुल बनाया, इन्हीं मच्छरों के बीच केक कटे, 2 बारी बनाया, एक बारी नहीं 2 बारी बनाया, एक बारी और कोशिश यही थी कि शायद उनकी शायद उनका कोई सलूशन निकले। उससे देखते उनको शर्म आए थोड़ी, पर उनको तब भी शर्म नहीं आई, कुछ नहीं कर रहे वो अभी भी। या ना साहिल गंग वाला इधर जो वो भी नहीं, और सोनी भी। केजरीवाल जी कहते थे कि MCD में भी आपके पार्षद आ जाएं और MLA हो जाएं आपके, तो फिर दिल्ली की तो कायाकल्प कर देंगे। सर नहीं की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। अब तो वो जेल में बैठे हमें पता नहीं, पर इन लोगों को जो आगे की हैं ये कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ भी नहीं कर रहे, पैसा लेके बैठ गए हैं बस, कुछ नहीं कर रहे ये लोग। तो देखिए यहाँ की महिलाएं किस तरह से बता रही हैं कि कितनी परेशानी झेल रही हैं, और ये बता रही हैं कि कई घरों में लोग जो हैं सो बच्चे बड़े वो बीमार हैं, कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जाहिर है कि जो हालात हैं उसकी वजह से जो है सो इस तरह के हालात बने। कुछ और महिलाएं जी। हाँ जी, मेरा नाम पार्वती है, मैं पश्चिमपुरी से बोल रही हूँ। ये तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल घर के सामने है, हम तो निकल भी नहीं सकते यहाँ से, इतने मच्छर है, बीमारी है। मेरी बेटी की शादी हुई 1.5 साल पहले, तो हम कोई फंक्शन नहीं कर सकते यहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और बेटी का बच्चा हो गया तो मैं उनको लेके भी नहीं आ रही यहाँ के, बीमार हो जाएंगे इस चक्कर में। अब बताइए क्या करें, बहुत परेशान है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, 2 साल से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ माधीपुर का पानी आता है, हमारे यहाँ ढलान ऐसी कर दी है कि ये सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है। और 2-3 जने तो बाइक से गिर भी गए हैं यहाँ आते जाते। बताइए आप क्या करना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं यहाँ। बार बार आप लोगों ने शिकायत की, फिर भी कुछ नहीं होता। गाड़ी आती है पानी निकाल के फिर चली जाती है, फिर वही हाल हो जाता है। एक दिन के बाद एक दिन होता है, फिर अगले दिन वैसे ही हो जाता है। पता लगा विधायक जी मिलते भी नहीं। हाँ वो तो मिलते ही नहीं, वो कोई, जबकि उनका ऑफिस बिल्कुल सामने है, कोई आके देखता ही नहीं है। अब क्या करें बताओ आप। ये देखिए ये यहाँ की परेशानी मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा। ये पता लगा कि बार बार जब लोगों ने परसों रात में विधायक जी की पत्नी का केक काटा और विरोध जताया, उसके बाद जो है सो कल गाड़ी आई थी, और उसके बाद की ये हालात है। जब गाड़ी आई और कुछ सफाई हुई, उसके बाद के हालात में आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये किस तरह के हालात हैं। साथ ही ये गली है, और गली के साथ में जो आप देखिए कि मकान है, और यहाँ लोग फ्लैटों में रहते हैं, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए हैं, और ये तमाम लोग 24 घंटे ये बदबू फैलती रहती है। और ये पता चला कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो है सो हॉस्पिटलाइज हैं, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बार बार शिकायत की जाती है तो विधायक जी के दफ्तर भी लोग जाते हैं, तो विधायक जी खुद सामने नहीं आते, उनकी पत्नी सामने आती हैं, लेकिन सिर्फ बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये वही दिल्ली का इलाका है जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो 3 बार जो है सो जीत कर विधायक बने हैं, और साथ में जो पिछले लगभग 1.5 साल पहले जो MCD का चुनाव हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अगर MCD में भी आपको जिताएंगे, आपके पार्षद आएंगे, तो दिल्ली के तमाम इलाकों का कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद को भी लोगों ने जिताया, लेकिन यहाँ के हालात बिल्कुल नरकीय हैं, और लोगों में गुस्सा है, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शिकायत के बावजूद वो ऐसे हालात में रह रहे हैं जहाँ हर वक्त बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। आप देखिए कि काफ़ी संख्या में लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब लोग यहाँ पे रहते हैं,
इनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह के हालात है, कैसे डर लगता है आपको इतनी। हम तो सर सालों से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सालों से परेशान हैं, कई दफ़ा जाके कह चुके हैं, उनको कंप्लेंट कर चुके हैं बार बार इनको। पहले पानी की दिक्कत थी, पानी के लिए 102 साल जाते रहे, किसी ने सुनवाई नहीं हुई। अब पानी लगातार 2 साल से भर रहा है, दोनों गलियाँ, उधर आगे वाली गली देखो, ये गली देखो, निकलना मुश्किल है घर से बाहर। ये बिल्ले वाली गली, पानी इतना गंदा आता है, जब पानी नहीं आएगा तो गटर वाला पानी शुरू हो जाता है। यहाँ पर निकलना, घर से निकलना, उधर गली देखो, कहीं भी जाओ पूरा एरिया ऐसा खराब कर रखा है, हालत खराब हो रखी है। एक बार भी ना, ये कहाँ इधर मिलते ही नहीं विधायक के पास। 500 चक्कर लगा लिए हमने, कई होके आ गए हम यहाँ, 500 चक्कर लगा लिए हम, पूरी पूरे सारे मिल के होके आ गए हैं सब। ये देखिए, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो परेशानी बता रहे हैं कि कितनी परेशानी और कब से है, और बार बार ये शिकायत, क्योंकि 150 मीटर, महज 150 मीटर की दूरी पर जो विधायक हैं उनका दफ्तर है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कुछ और लोग हमारे साथ। मेरा नाम ज्ञान है सर। हम यहाँ पे कम से कम 2 साल से परेशानी झेल रहे हैं, और 2 साल से ये हाल है कि यहाँ के जो लोग हैं वे बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। किसी का 1-2 लाख रुपए खर्चा हो रहा है और जे पैसे नहीं है किसी के पास, बेचारे पता नहीं कहाँ से कर्जा उठा उठा के अपनी बीमारियों में लगा रहे हैं, और MLA साहब को कुछ लेना देना नहीं है। जाके कहते हैं हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, सुनते ही नहीं है, सिर्फ बातें, हाँ करवा देंगे भी कम है। और कहते हैं कि यहाँ पे ना आपने घेर लिया है या नालियाँ बंद कर दी है, ये बंद कर दिया, कहाँ से बंद करिए बताइए, नालियों की जगह दिख रही है आपको? कहते हैं आपने घेर लिया, कहाँ घेरा हुआ है घर? जितना टाइम होगा जगह होगी उतना लेंगे ना। कहते आपने नालियाँ बंद कर दी, आपने वो बंद कर दिया, मतलब अपना पल्ला झाड़ देते हैं और कुछ नहीं है। नालियाँ बंद करने के बाद जो सीवर बना है ये मरने के लिए छोड़, बस मरने के लिए छोड़ रखा है। देखो ना लोग इस घर में जो रहते थे वो बीमार हैं, आगे बीमार हैं, हॉस्पिटलों में पड़े बेचारे, क्या करें? दवाइयाँ ले लेके आ रहे हैं लोग। देखिए ये दवाइयाँ हैं और ये दवाई हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के बाद ये हालात हैं, और लोग इस तरह से बता रहे हैं कि हर घर में जो है सो कोई ना कोई बीमार है। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ऐसा वैसा कि जो यहाँ के ये जैसे सिल्लियाँ लगी हुई है ये नीचे, नेता लोग क्या करते हैं हर साल भर में कभी तो सिल्लियाँ खुड़वा देंगे, कभी दीवारें ये तुड़वा के नहीं बनवाएंगे, नई बनी हुई चीज़ों को बनाते हैं, और जो पुरानी बनी हुई अच्छी वाली उनको तुड़वा देंगे और नई वाली लगवा देंगे, और बेकार की अगले स्केरों में देखो और इस स्केर को देखो, थोड़ा बहुत ये जो सफाई दिख रही है ना ये हमारी बदौलत ही है, सारे जानते हैं यहाँ के, हम ही लोगों ने ये सफाई कर रखी है खुद ही। MLA को कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार। कुछ और लोग जो बताना चाह रहे थे, कुछ जी आप कुछ कह रहे थे। विधायक साहब कहते हैं कि आप हमें वोट मत देना, मत जितवाना, आपके वोटों से हमें जरूरत नहीं है, हर बात हो मेरे को जरूरत नहीं है। और उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद उसको कहते हैं ना, तो उसकी बेटी कहती है मेरे पापा सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो, मतलब डिस्टर्ब ना करो, यहाँ पे बेचारे बीमार पड़े हैं, बेचारे मर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब से परेशानी है, और जाके कहीं बोलो तो परेशानी है उनको। आप कुछ कह रहे हैं? सड़क बनने वाली जो नहीं जरूरत थी वो बनवा दी, जो मेन काम करने वाला जब तक आगे से नालियाँ नहीं खोलेंगे उसका फायदा क्या सड़क बनाने का, फिर तोड़ोगे फिर बनाओगे, एक सड़क बनवा के देने से क्या हो जाएगा? आइए आपको दिखाते हैं सड़क कौन सी नहीं बनवाई आपको, जो सड़क बनाने की जो बोल रहे हैं मुद्दे की बात ये नहीं बता रहे हैं ना, जिस चीज की जरूरत है, जो मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको देखो आप। और बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है, तीसरे दिन डॉक्टर ने हॉस्पिटल से नाम काट दिया घर ला, ये मेरी ग्राउंड फ्लोर है। अब यहाँ कैसे ही पूरा भरा हुआ था, इस जीना तक पानी था, तो बच्चा को मैं कैसे रख सकती थी यहाँ इतना छोटा। मैं बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि थोड़ा मेरे लिए तो नहीं करो कुछ, लेकिन ये नाजुक बच्चा के लिए कर दो, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। बोला उन्होंने कई एक बार गए MLA के पास, बोले कि उस गली की सफाई नहीं होगा, मुझे क्या करना है। और कितने बार मैंने उनसे बोली कि देखो पब्लिक आपकी बगीचा है, बगीचा अगर एक पेड़ सूख रहा है तो उसको आपको सींचना काम है, हम लोग आपका बगीचा हैं, हम ही लोग के तरफ से जैसे बच्चे हैं, हम आपको सुरक्षा करना है, आपको कुर्सी मिला हुआ है सुरक्षा करने के लिए, ऐसा मत बोलो। लेकिन वो हमेशा उल्टे ही बोलते हैं। और मैं 5वीं मंजिल पर बहू को ले गए, मेरी बहू को एक पर्दा है, फिर दोबारा हम तक कौन है विधायक यहाँ पे आप MLA? ये देखिए ये यहाँ की परेशानी की माध्यम विधानसभा का पश्चिम पूर्वी पॉकेट 2 जो है वहाँ के ये हालात है, और यहाँ के लोग पिछले
काफ़ी समय से इस सीवर अवर्थियों के बाद जो पानी, गंदा पानी जमा होता है, यहाँ तक कि लोगों के घरों के जो टॉयलेट्स हैं उसमें भर जाते हैं। और सबसे गंभीर बात ये कि कई घरों के लोग, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब जो है सो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन इस पर और भी संवेदनहीन करने वाला इलाके के आप विधायक का रवैया, जो लोगों ने आरोप लगाया कि वो दफ्तर में जाने के बाद मिलती भी नहीं, उनकी पत्नी आगे आती है। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, लेकिन यहाँ के लोगों को दिल्ली तक से ये उम्मीद है कि शायद खबर दिखाए जाने के बाद जो है इलाके के विधायक जागे, जो प्रशासन है वो जागे, जो एजेंसियां हैं वो जागे, और जल्द से जल्द यहाँ के हालात को सुधारें, ताकि यहाँ के लोग जो लगातार बीमार हो रहे हैं वो बीमारियों की चपेट में ना आए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।